हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हैं कम्युनिटी का कोल्ड चेन। तो ये इम्यूनाइजेशन का एक पार्ट है कोल्ड चेन। तो आज अपने कोल्ड चेन के बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो जो कोल्ड चेन है उससे रिलेटेड नर्सिंग का कोई भी एग्जाम, उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन उसको अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो NHM से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें ये NHM से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा तो उसके अंडर में क्या है, जो कोल्ड चेन का जो टॉपिक है वो क्या है कि जीवन बाण या रामबाण की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इसमें मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। तो देखो आज अपना डिस्कस करते हैं कोल्ड चेन, वो किसके अंडर आते हैं, इम्यूनाइजेशन के अंदर। इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन के अंदर अपने डिस्कस करते हैं चेन के बारे में। तो नर्सिंग के अंदर आपको पता है 2 ही चेन फेमस होती है, एक तो कौन सी, कोल्ड चेन, और दूसरी आप ऐसे सोच रहे होंगे गले या हाथ वाली चेन, नहीं, दूसरी कौन सी होती है, वारम चेन। तो देखो कौन सी अपने, एक अपनी चेन होती है कोल्ड चेन और दूसरी कौन सी होती है, वारम चेन। वारम चेन का यूज होता है किस कंडीशन में, हाइपोथर्मिया में। यूज कहां होगा, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया वाले पेशेंट में अपने, या हाइपोथर्मिया में पेशेंट जा रहा है तो उस कंडीशन में यूज कौन सी करेंगे, वारम चेन। लेकिन जो कोल्ड चेन है वो किसके अंदर यूज करेंगे अपने, यूज करेंगे इम्यूनाइजेशन के अंदर। किसके अंदर यूज करेंगे, इम्यूनाइजेशन के अंदर। जो कोल्ड चेन होती है वो क्या होती है, एक सीरीज होती है। क्या होती है बच्चों, सीरीज, सीरीज ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की। जो कोल्ड चेन होती है वो क्या होती है, एक सीरीज ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब क्या होती है, एक स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की एक क्या होती है, सीरीज होती है। ये कनेक्टेड किसके थ्रू होती है, मतलब इसका एक लिंक होता है और उस लिंक के अंदर अपने क्या रखते हैं, वैक्सीन, और वैक्सीन को अपने क्या करते हैं, एट रिकमेंडेड टेम्परेचर। किसके अंदर अपने, रिकमेंडेड टेम्परेचर। तो कोल्ड चेन के एक स्टोरेज सीरीज होती है स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट करने की। तो वो कौन से होते हैं, उसका लिंक होता है वैक्सीन का, मतलब उसको वैक्सीन को स्टोर करना है और क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। वो किस लेवल पे करना है अपने, एक रिकमेंडेड टेम्परेचर पे, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होगा उसके अंदर अपने क्या है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करेंगे। अगर उस टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया तो उस कंडीशन में क्या है, जो वैक्सीन की पोटेंसी, या मतलब वैक्सीन ऐसे अपने बोल सकते हैं कि उसकी वैक्सीन पोटेंसी, या ऐसे बोल सकते हैं उसको कि वैक्सीन है जो खराब हो जाती है। तो उस चीज को मेंटेन, उस चीज खराब होती है उस चीज को मेंटेन, उस चीज को रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, कोल्ड चेन करते हैं। तो कोल्ड चेन क्या, एक सीरीज है किसकी, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट की, और उसके अंदर क्या करते हैं, वैक्सीन एट रिकमेंडेड टेम्परेचर पे, एक रिकमेंडेड जो टेम्परेचर होगा, एक नियमित जो टेम्परेचर होगा उसके अंदर अपने स्टोरेज करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो वैक्सीन है जो खराब ना हो जाए। तो उस चीज से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, कोल्ड चेन करते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि एक सीरीज होती है जिसके अंदर अपने स्टोरेज और क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वैक्सीन का एट रिकमेंडेड टेम्परेचर पे। तो इसके अंदर अपने एक देखो कि कोल्ड चेन का अगर फंक्शन, फंक्शन देखो इसके अंदर कि इसका फंक्शन क्या है, कि टू मेंटेन, मेंटेन वैक्सीन पोटेंसी, मतलब कि जो कोल्ड चेन का जो फंक्शन होगा उसके अंदर क्या होता है, जो वैक्सीन की जो पोटेंसी है उसको क्या करना है, मेंटेन रखना है, मतलब एक एट रिकमेंडेड टेम्परेचर उसको क्या करना है, मेंटेन करना है, कि वो जो उसका जो टेम्परेचर वो वेरिएशन ना हो। अगर वेरिएशन होगा तो वो उसकी जो पोटेंसी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो उसी चीज को बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है उसके अंदर अपने क्या करते हैं, स्टोरेज और उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसका करते हैं, वैक्सीन का। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया कि कोल्ड चेन क्या है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट इसके अंदर अपने देखो कि एलिमेंट, की एलिमेंट होते हैं, की एलिमेंट ऑफ
कोल्ड चेन की एलिमेंट ऑफ है कोल्ड चेन। तो इसमें कौन से होते हैं की एलिमेंट होते हैं कोल्ड चेन के, वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। वो कौन से होते हैं? तो फर्स्ट अपने देख लेते हैं पर्सोनल, फर्स्ट इसके अंदर है पर्सोनल। पर्सोनल अपने मान सकते हैं जैसे कि वर्कर। वर्कर क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? इसको मैनेज करते हैं। और वो क्या मैनेज करते हैं? मैनेज क्या करते हैं? वैक्सीन स्टोरेज को। सेकेंड है इसके अंदर है डिस्ट्रीब्यूशन को। और नेक्स्ट है इसके अंदर है कोल्ड चेन मेंटेन, कोल्ड चेन मेंटेन। तो देखो कि फर्स्ट इसके अंदर की एलिमेंट है, मतलब तीन के लिए तीन इसके अंदर क्या है कोल्ड चेन के अंदर है? की एलिमेंट है, जिसमें से फर्स्ट है अपना पर्सोनल। पर्सोनल जैसे अपने मान सकते हैं कि वर्कर। वर्कर क्या करते हैं? उसको पर्सोनल कोल्ड चेन के की एलिमेंट के थ्रू अपने क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। क्या करते हैं? एक तो वैक्सीन को स्टोरेज करते हैं, और क्या करते हैं? उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और क्या करते हैं? इसको कोल्ड चेन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड। सेकंड के अंदर अपने क्या आते हैं? इक्विपमेंट, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है? टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब इक्विपमेंट होगा, उसके जरिए अपने क्या करेंगे? इसको स्टोरेज करेंगे, और क्या करेंगे? इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। किसको? वैक्सीन को। क्या हुआ इसके अंदर? टू स्टोर, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। क्या करेंगे इसके अंदर? टू स्टोरेज एंड क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। ये क्या है इसके अंदर? इक्विपमेंट। ये सेकंड की एलिमेंट है इसका। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर अपने क्या करेंगे? प्रोसीजर के अंदर होगा कि टू मेंटेन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। क्या होगा इसके अंदर? टू मेंटेन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। मतलब प्रोसीजर के अंदर क्या है? टू मेंटेन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर। टू मेंटेन एप्रोप्रिएट टेम्परेचर के अंदर क्या है कि जो अपने काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर। मतलब एप्रोप्रिएट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपने जो काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? प्रोसीजर। तो नेक्स्ट अपने देखें आगे। नेक्स्ट है इसके अंदर वैक्सीन सेफ्टी। क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी है वो क्यों जरूरी है? वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अपने क्या करती है? लॉस ऑफ पोटेंसी। वैक्सीन अपने क्या है? जो पोटेंसी है वो कर क्या कर देती है? खो देती है, मतलब लॉस कर देती है। तो उस चीज को अपने से बचाने के लिए अपने क्या है? वैक्सीन सेफ्टी जरूरी है। तो इसके जो कोज होते हैं कि वैक्सीन सेफ्टी की जो लॉस ऑफ पोटेंसी, मतलब लॉस ऑफ पोटेंसी किसके थ्रू होती है, उसके कौन से कोज है कि इससे अपने वैक्सीन जो अपनी पोटेंसी खो देती है, तो वो देखो अपने। फर्स्ट है इसके अंदर हीट। हीट के अंदर क्या होगा कि टेम्परेचर अबो देन, टेम्परेचर अबो देन 8 डिग्री सेल्सियस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल वैक्सीन अंडर यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की जो की कोज के अंदर फर्स्ट है हीट। हीट के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर अबव देन 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 8 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ऑलमोस्ट ऑल वैक्सीन है जो किसके अंदर आती है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, तो वो अपनी पोटेंसी क्या कर देगी? लॉस कर देगी। तो उसकी वजह से वो अपनी पोटेंसी क्या कर देगी? खो देगी। नेक्स्ट अपने इसके अंदर है
सेकंड कोल्ड है। कोल्ड के अंदर आपने देखा होगा कि जो इसका जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, या आपने इसको कह सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस। तो उस कंडीशन में क्या है, कोल्ड के अंदर क्या होगा कि लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम चला जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या है, जो वैक्सीन अपनी पोटेंसी खो देती है। तो इसका एग्जांपल अपने देख लेते हैं, वो कौन सी वैक्सीन होगी जो अपने क्या होगी, फ्रीज सेंसिटाइज वैक्सीन होगी। वो क्या होगी, फ्रीज सेंसिटाइज मतलब, फ्रीज सेंसिटाइज मतलब कि फ्रीज के अंदर अपने रखने से वो उसकी अपनी पोटेंसी वो खो देती है। तो उसको क्या बोलते हैं अपने, फ्रीज सेंसिटाइज वैक्सीन, मतलब ज्यादा 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो उसका टेम्परेचर में टच आएगा तो वो क्या अपनी पोटेंसी खो देगी। तो नेक्स्ट इसके अंदर अपने देखते हैं, तो उसके अंदर अपने कोल्ड के अंदर स्टडी कर रहे थे, उसके अंदर बताया था कि मतलब लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कॉन्टेक्ट में आने पे जो अपनी वैक्सीन है वो अपनी पोटेंसी खो देती है, वो कौन सी है। तो सबसे पहले अपने आती है जो कम खोती है, टीडी टिटनस डिप्थीरिया, उसके बाद में है डीपीटी, उसके बाद में है नेक्स्ट है पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, उसके बाद में है आईपीवी, उसके बाद में है पेंटावेलेंट, और उसके बाद में नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। तो ये क्या, कौन सी सभी जो वैक्सीन है वो फ्रीज सेंसिटाइज वैक्सीन है, कौन सी, ये, क्योंकि ये फ्री सेंस से मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर में रखने पे क्या है, ये अपनी पोटेंशियल वो खो देगी, मतलब ये क्या है, एट लीस्ट से मोस्ट है, मतलब सबसे ज्यादा ये कौन सी होगी, एट लीस्ट, और ये कौन सी होगी, मोस्ट, मतलब सबसे जो कम है वो टिटनस डिप्थीरिया होगी, उसके बाद में डीपीटी होगी, उसके बाद में पीसीवी मतलब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, उसके बाद में आईपीवी, और उसके बाद में पेंटावेलेंट और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है, और एट लीस्ट पूछे तो आपने बताना है टीडी, जिसको अपने क्या बोलते थे पहले, टिटनेस। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं लाइट, कौन सा है कोज, जो अपने लो वैक्सीन सेफ्टी के अंदर अपने जो लॉस ऑफ पोटेंसी मतलब पोटेंसी खो जाती है, तो उसके अपने कोज पढ़ रहे थे, तो दो कोज हो चुके हैं अपने। नेक्स्ट थर्ड है लाइट, थर्ड इसके अंदर है लाइट। तो लाइट के अंदर क्या होगा कि इसके कौन सी है वो जो सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव, तो इसका जो एग्जांपल है वो देख लो अपने, कौन से है, बीसीजी, और कौन से है मीजल्स और रूबेला, बीसीजी मीजल्स और रूबेला, और इनका जो अपने वायल यूज करते हैं, वायल बीसीजी अपने उसके अंदर जो वायल के अंदर अपने डालते हैं वो वायल यूज करते हैं, उसका कलर कौन सा होता है, अगर कोई एग्जामिनर पूछे कि बीसीजी वायल अपने यूज कर रहे हैं उसका कलर कौन सा होता है, तो आपने बताना है एम्बर कलर, कौन सा कलर बताना है आपने, एम्बर कलर। तो ये क्या है, इसके अंदर जो लॉस ऑफ पोटेंसी है वैक्सीन की, मतलब इससे अपने खो जाती है, तो उस कंडीशन में अपने क्या करेंगे कि उसकी पोटेंसी है वो ये क्या है? उसके इसके कोज है, तो फर्स्ट कौन सा था, हीट, और सेकंड अपना कोल्ड, और लास्ट अपने थर्ड है लाइट। आप ये बोलोगे कि मतलब कभी ये ठंडे में, कभी ये गर्म में, और कभी लाइट में ये खराब हो जाती है, तो ये क्या है, ये ऐसा ही होता है कि जो ये तीन कोज है, तो आपको इसको याद रखना होगा कि कौन सी से अपने क्या है वैक्सीन जो पोटेंशियल अपनी खो दे देती है। तो फर्स्ट कोज है हीट, सेकंड है कोल्ड, और थर्ड है अपना लाइट। थैंक यू दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर।